सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसा आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कमर्शियल बिल्डिंग और हमारे जो घरों के अंदर उपयोग होने वाले कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोग होते हैं। और दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए भाई, ये शुरू करते हैं। तो हमारे बिजली की सबसे पहले शुरुआत होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल लाइन से, जो कि आपको पता होगा पोल से होकर हमारे मीटर के अंदर आती है। इलेक्ट्रिकल मीटर के अंदर जो हमारा डिजिटल मीटर होता है, और उसके बाद हमारे मेन स्विच लगे हुए होते हैं, जो कि आपने देखे होंगे कैट फ्यूज, कुछ इस प्रकार के जो फ्यूज़ होता है वो लगे हुए रहते हैं, या फिर फ्यूज की जगह आजकल एमसीबी का ज़्यादा उपयोग चल रहा है, और एमसीबी भी हमारे घरों में या कमर्शियल बिल्डिंगों में लगा रहता है। इसके बाद हमारे प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी का उपयोग भी हम हमारे घरों के अंदर करते हैं, और इसके अलावा जो सिंगल पोल एमसीबी होती है उसका उपयोग भी हमारे आजकल होने लग गया है, जो कि हमारे अलग अलग डिवाइड के हिसाब से हम जो है कि लगाते हैं हमारे एमसीबी बॉक्स के अंदर। इसके बाद हमारे जो पावर सॉकेट होता है, जो 5 पिन सॉकेट होता है, वो भी हमारे काम आता है। इसके अलावा जो हमारे स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड, जो कि हमारे इससे लाइट पंखे वगैरह सब चलाए जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे 2 पिन सॉकेट होता है, जो कि हमारे चार्जिंग के लिए या किसी भी उपकरण को चलाने के लिए काम में आता है। और 5 पिन सॉकेट लगे हुए होते हैं हमारे घर पे, जो कि हमारे किसी भी पावर सप्लाई में चलाने काम आता है। और 3 पिन सॉकेट भी होता है रेफ्रिजरेटर मिक्सी ग्राइंडर चलाने में काम आता है। और इसके अलावा हमारे मेटल होल्डर होता है, जो कि हमारे बल्ब वगैरह लगाने के लिए काम में आता है। और उसके साथ में पैनल होल्डर होता है, जो कि कहीं भी लगा सकते हैं हम। और साथ ही में 2 पिन होल्डर होता है, इसमें किसी भी सॉकेट में लगा के हम जो है कि इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही में हमारा होता है 2 पिन मेटल होल्डर होता है, ये भी हमारे बल्ब चलाने के लिए काम में आता है। और ये हमारे ज़्यादातर यूज़ होता है एंगल होल्डर, जो कि हमारे घरों वगैरह में लगे हुए रहते हैं। और साथ ही में हमारे जो ये बटन होल्डर भी होते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा यही उपयोग में लिए जाते हैं। और साथ ही में हमारे 2 पिन टॉप होता है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ये हमारे जो है कि किसी भी उपकरण को चलाने के लिए जो है कि ये लगाना पड़ता है। और इसका मेल फीमेल दोनों आता है, जिससे हमारे एक तरफ से पावर सप्लाई ले सकते हैं और एक तरफ से जो सप्लाई होती है वो जाती है। और हमारे 3 पिन टॉप होता है, ये भी आपने देखा होगा कहीं मिक्सर ग्राइंडर में या फिर किसी भी बड़े उपकरण के अंदर, और ये थोड़ा हेवी होता है, ये 16 एम्पियर का है। ये हमारे फ्रिज के अंदर या फिर वॉशिंग मशीन में काम में लिया जाता है। और साथ ही में हमारे जो है कि काम में आता है बेड स्विच, जो कि आपने देखा होगा कहीं। और इसके अलावा ये होता है बोर्ड स्विच, जो होते हैं जो हमारे किसी भी उपकरण को चलाने के लिए, जैसे पंखे वगैरह के लिए बटन दबाए जाते हैं, वो यही होता है। और ये होता है हमारा बोर्ड इंडिकेटर, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारे घर में फेज आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये होता है हमारा मेन स्विच होता है, जो बोर्ड के अंदर लगता है छोटा स्विच, जिसके अंदर एचआरसी फ्यूज लगाया जाता है। और ये वाला हमारा मल्टीप्लग होता है, जो कि आपको पता ही होगा एक ही जगह से हम बहुत सारे जो उपकरण चलाए जा सकते हैं। साथ ही में हमारे जो केबलों के काम के लिए ये हमारा केबल क्लिप होती है, जो कि इसमें कीले लगी हुई रहती है। और हमारा फैन रेगुलेटर, ये हमारा फैन को कंट्रोल करता है इसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। ये कुछ वायर्स होते हैं जो कि हमारे घरों में अक्सर काम में लिए जाते हैं, ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे ये वायर। ये हमारे ब्लैक एंड रेड जो हमारे फेज न्यूट्रल के लिए लगाए जाते हैं ये वाले वायर। और साथ ही में हमारे जो घरों की जो वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग, अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग, वो इन वायरों से की जाती है, जो कि कॉपर वायरिंग होती है। और दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही नॉलेज मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।